रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस विशेष बातचीत के दौरान भारत और चीन के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान भारत चीन की सीमा से जुड़े मुद्दे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए, साथ ही हमारे आपसी संबंधों का आधार आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और चीन के राष्ट्राध्यक्षों की औपचारिक मुलाकात 5 साल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि भारत चीन संबंध न केवल हमारे लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी बेहद अहम है। ब्रिक्स समिट से एक दिन पहले ही पूर्वी लद्दाख में भारत चीन गतिरोध को बातचीत के जरिए हल किए जाने और अपनी अपनी सेना को पीछे लेने को लेकर उन्होंने कहा कि सीमा से जुड़े मुद्दों को लेकर बनी सहमति का भारत स्वागत करता है। जिनपिंग से मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपसे मिलकर खुशी हुई। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम हैं। इस दौरान विदेश सचिव ने कहा कि बॉर्डर पर डिसएंगेजमेंट और पेट्रोलिंग को लेकर सहमति के बैकग्राउंड में मोदी शी की मीटिंग हुई है। दोनों नेताओं ने खुशी जताई। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे बाउंड्री रिलेटेड मैटर का असर हम शांति और स्थिरता पर नहीं पड़ने देना चाहते। उन्होंने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव से फिर जल्दी मिलने को कहा। भारत की तरफ से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव NSA अजीत डोभाल हैं। जिनपिंग से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने एक ट्वीट भी किया जिसमें वे लिखते हैं, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात हुई। इस संबंध में पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि कजान ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। भारत चीन संबंध हमारे देशों के लोगों और क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। आपसी विश्वास, आपसी सम्मान और आपसी संवेदनशीलता द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करेगी। आपको बता दें कि रूस के कजान शहर में हुई ये बैठक बेहद खास मानी जा रही है। इसकी वजह यह है कि पिछले 5 सालों में भारत और चीन के संबंधों में कई कारणों से खटास आ गई थी। साल 2020 में मई के महीने में पूर्वी लद्दाख सीमा पर विवाद इतना गंभीर हो गया था कि दोनों ओर के सैनिकों के बीच आपसी तनातनी बढ़ गई थी। हालांकि समय के साथ साथ अब उस तनाव को सुलझा लिया गया है, जिसके ठीक बाद भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति के बीच ये औपचारिक बैठक हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।